Hi everyone, welcome to my YouTube channel Study Shivet Prati 2 and today's video is going to be related to Delhi University students. तो आपको तो पता ही होगा कि DU के registration 2021 के start हो गया, like just a day before it gets started. अभी register कैसे करना है, this is something very important. तो उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ and the main thing we need to discuss here is कि अगर जब DU में बेस्ट ऑफ फोर अप्लाई होता है तो फिर सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स देने की क्या जरूरत है और जिनके पास सिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करें. सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन टू दिस वीडियो. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट आई एम यूजिंग सोशल मीडिया Instagram. This is my Instagram. You can just connect with me there. KritiSau2605. After this video or the during the video, आपको किसी चीज को लेके clarification चाहिए हो, आप मुझे directly यहाँ पे text कर सकते हो. Second thing, I am on Telegram as well as other social media handles. You can just connect with me there. Let's get started with our today's video. देखिए DU से related कई सारी queries in last one week I received, especially जब से कल से registration शुरू हुआ है तो उसको लेकर आई है. Registration में बेस्ट आपको पता है कि DU में ऑनर्स अगर आप कोर्स कर रहे हो तो फिर आपको बेस्ट ऑफ फोर अप्लाई होता है. बाकी प्रोग्राम्स वगैरह में आपका वैसे नॉर्मल परसेंटेज चलेगा लेकिन ऑनर्स में यू रिक्वायर बेस्ट ऑफ फोर. तो उस बेस्ट ऑफ फोर को कैसे अरेंज किया जाए आपको एक चीज़ बता देती हूँ. जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना फिल करोगे ना तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको एक चीज़ मिलेगी, दैट इज कि सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखने होंगे. यू हैव टू फिल द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स यू आर हैविंग. अगर आपके पास पाँच है तो पाँच, छः है तो छः, ठीक है, आपको सारे लिखने होंगे. यू आर सपोज टू डू दिस. इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद से बेस्ट ऑफ फोर अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे. नो, दैट विल बी डिफरेंट. जब आप कॉलेज के लिए जाओगे और आपका बेस्ट ऑफ फोर आप ही डिसाइड करोगे कि आपको किस सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ने हैं किसके नहीं जोड़ने हैं. सो डोंट वरी अबाउट दिस फैक्ट कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. आई गेट लॉट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वन की रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो भैया मेरे सारे सब्जेक्ट क्या आ रहे हैं. आप जैसे उसमें रोल नंबर डालोगे तो ऑफकोर्स आपके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ जाएंगे. तो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल कि डोंट वरी अबाउट इट. वो सारे काम जो है वो लेटर का है. बस आप तो अपने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स उसमें फिल कर दो. फिलहाल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा और बाकी का आपको जो जो कोर्स चाहिए है वो डाल दो, ठीक है. तो दिस इज वॉट यू नीड टू डू इन टू दिस वन. बाकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, दैट इज 2605. बिकॉज आई एम फीलिंग दैट कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वाइल दे आर एक्चुअली डूइंग द रजिस्ट्रेशन. आई गॉट मेनी स्टूडेंट्स वो कह रहे थे कि आप मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए, वी आर प्रोवाइडिंग द ईमेल एंड एवरीथिंग. आई डू अंडरस्टैंड बट इट्स फार बेटर अगर आप फिल करें तो. बाकी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी इशू होता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे उसका स्क्रीन शॉट लेके भेज सकते हो. मैनी स्टूडेंट्स डिड दिस एंड माई लास्ट वीडियो सम ऑफ यू लाइक वन ऑफ यू कॉमेंटर दैट कि मैं इंस्टाग्राम पर प्रचार ज़्यादा कर रही हूँ. नो, इट्स नॉट दैट वे. जो वीडियो बनाने का कॉन्टेंट होता है दैट इज अबाउट आई एम एड्रेसिंग द क्वेरी ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. बट हो सकता है उसी में किसी को पर्सनल क्वेरी भी हो. सो दैट्स वॉट आई मीन. ओके, दिस इज वॉट जस्ट इज सपोज टू डू. वेल, मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगी क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं है. सिर्फ आपको बेस्ट ऑफ फोर अपने सारे सब्जेक्ट का मार्क्स डाल दो. जब फाइनली आपका आएगा तो बेस्ट ऑफ फोर आप लेटर कैलकुलेट कर सकते हो. बेस्ट ऑफ फोर कौन से सब्जेक्ट का रखना है ये आप ही डिसाइड करेंगे. एंटिल देन सी यू इन टू माई नेक्स्ट वीडियो. जस्ट स्टे ट्यून्ड ऑन टू दिस चैनल. आई बी अपलोडिंग मेनी DU रिलेटेड क्वेरीज. बाकी जो भी आपको क्वेरी हो रही है ना फिलहाल आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो. लेट्स मीट इन टू आर नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.